हेलो दोस्तों, बात करते हैं यूके ट्रिपल सी भर्ती को लेकर। आयोग के द्वारा एक अपडेट जारी कर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए संतोष बुढ़ानी को मिल चुकी है इसकी पूरी जानकारी। चलिए जानते हैं क्या जानकारी है इसमें और संतोष बुढ़ानी को लेकर क्या कहा गया। तो देख सकते हैं दोस्तों कि पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव बड़ोनी को यहाँ पर आयोग की क्लीन चिट। तो आयोग ने यूके ट्रिपल सी की जो आयोग है आजकल, उन्होंने यहाँ जो है क्लीन चिट दे दी है। और सचिवालय प्रशासन के पत्र पर जो है आयोग का जवाब, किसी भी मामले में जो है समझौता नहीं। तो आयोग के माध्यम से और प्रशासन के जो पत्र है उसके माध्यम से बताया गया कि संतोष बड़ोनी जो यहाँ पर यूके ट्रिपल सी में सस्पेंड चल रहे थे, उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है बताया गया है। और कहा है यूके ट्रिपल सी पेपर लीक कांड में बताया गया है कि यहाँ पर संतोष बड़ोनी को यहाँ पर अधीन सर्वोच्च आयोग से क्लीन चिट यहाँ पर दे दी है। और आयोग ने जो है सचिवालय प्रशासन को यहाँ पत्र लिख कर जो है जवाब दिया है। किसी भी भर्ती के पेपर में बताया गया बड़ोनी का जो है समझौता कोई भी नहीं है। तो कोई भी यहाँ पर जो समझौता नहीं है बड़ोनी की तरह बताया गया है। और 2 सितंबर को जो है शासन ने किया था निलंबित, 9 माह से यहाँ पर लटका, तो यहाँ पर 9 महीने से निलंबित चल रहे थे। फाइनली यहाँ पर संतोष बड़ोनी को यहाँ पर अब पता चल गया है कि यहाँ पर जो है उनकी कोई समझौता नहीं है, शायद अब निलंबित से हटा भी दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो है पेपर लीक मामले में संतोष बड़ोनी को पिछले साल हटाया गया था, और उसके बाद से सरकार की ओर से यहाँ पर लेटर जारी कर दिया गया कि कोई भी भर्ती में समझौता नहीं पाएगी है संतोष बड़ोनी की, और इस वजह से क्लीन चिट इनको मिल चुकी है।